नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद लगभग सभी मंत्री ज्यादातर आम जन के बीच में रहने लगे हैं, क्योंकि पिछले प्लान में भाजपा के जो मंत्री थे, ज्यादातर मंत्री को जनता ने नापसंद करके 2019 के चुनाव में हार का मुंह दिखाया था। इसी से सबक लेते हुए नए मंत्रिमंडल के मंत्री अब आमजन के बीच में रहने लगे और उनकी समस्याओं का सुनकर उनका निवारण करने लगे हैं। आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने आवास पर लोगों को समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि हमारे सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास के साथ ही हम काम कर रही हैं। हम हर जगह बराबर काम कर रहे हैं। जब उनसे उनके कलायत हल्के के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब से मैं विधायक बनी थी उसके बाद मैंने अपनी जनता का धन्यवाद दौरा नहीं किया और मैं धन्यवाद दौरा करूंगी। अब और आम लोगों से सुझाव लूंगी, जो भी आज अच्छा सुझाव होगा उसके आधार पर हम मुख्यमंत्री से उस काम की मांग करेंगे। वैसे जो मेरी प्राथमिकता है, मूलभूत सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुँचाना मेरा सबसे पहला काम रहेगा, चाहे वह बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही साथ चलेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। आज मेरा हल्का कलात के जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं, जो उनके गाँव की मूलभूत समस्याएँ हैं, आपने पता है, पानी की निकासी की है, पीने के पानी की है, कोई किसी के थाने की है, ये तो है नॉर्मल। तो उन समस्याओं का जो अधिकारी है उनके पास फोन करके उनका समाधान करने का काम किया। तो आगे जो आप रणनीति तैयार कर रहे हैं कलातल के विकास के लिए, क्या कुछ प्रोजेक्ट आपने तैयार किया? देखिए, पीछे भी हमारी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा है और अब भी यही है, सबका साथ सबका विकास। 36 बिरादरी का व्यक्ति, मेरा सभी मेरा परिवार है, मेरा परिवार के सदस्य हैं, हल्का कलायत मेरा परिवार है। तो जो भी उनकी समस्या होगी, जो कठिनाई होगी, वो मेरी समस्या है, मेरी कठिनाई है, उसको पूरा करने का काम करेंगे और ये जो आदेश हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उसके अनुसार चलने का काम करेंगे। तो प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे कोई अभी बताया मैंने, पानी की समस्या है और निकासी की समस्या है और भी बहुत सारी कठिनाई परेशानी है। और जैसे मैं महिला हूँ, महिलाओं के बारे में भी जो भी उनको सुरक्षा देने के काम करना है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और भी जो हमारे अधूरे काम है पीछे चले हुए थे वो पूरा करने का काम किया और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं कोई वो है तो आगे चलाने का काम करेंगे। तो आपके कोई आपके हल्के को लेकर कोई मांग हो जो आप सीएम साहब से मिलेंगे तो बिल्कुल, अभी मैंने धन्यवादी दौरा करना है चुनाव के बाद में, अभी तक मैंने किया नहीं, तो जो समस्याएं होंगी, जो मांगे होंगी मेरे हल्के की, मैं उसको मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगी और उसको पूरा करने का काम करेंगे।